नए वजीर आला का इंतखाब, पंजाब असेंबली इजलास मौमा बन गया। डिप्टी स्पीकर आज ही इजलास बुलाने पर कायम, सेक्रेटरी असेंबली तलब करदा इजलास से लाइल्म। असेंबली सेक्रेटेरिएट से आज के इजलास का ताहाल नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। गुज़श्ता रोज 16 अप्रैल को इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। डिप्टी स्पीकर ने रात गए इजलास बुलाने का ऑर्डर जारी कर दिया। सरदार दोस्त मिजारी कहते हैं कि 16 अप्रैल वाला भी मेरा ही नोटिफिकेशन था जिसे मनसूख किया गया। नून लीग में शमूलियत की बात गलत है, पंजाब हुकूमत पीटीआई या स्पीकर से मशवरा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में इजलास तलब किया है। पंजाब की सियासी कश्मकश में अलीम खान इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। अब्दुल अलीम खान ने अलीम खान ग्रुप का गैर रस्मी मुशावरती इजलास बुला लिया। अलीम खान मुतहदा अपोजिशन के हमराह असेंबली इजलास में शरीक होंगे। उस्मान बुज़दार का जाते हुए तरक्याती मंसूबों पर जोर। वजीर आला पंजाब ने शोबा सेहत के 3 नए मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। सर्विसेज अस्पताल में नया एमरजेंसी ब्लॉक और ट्रामा सेंटर बनेगा। नए एमरजेंसी टावर से 800 बिस्तरों का इजाफा होगा। जाहिर पीर और रहीम यार खान में भी नए मेडिकल मंसूबे कायम होंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि शोबा सेहत की बेहतरी के लिए तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया है। शहबाज दौड़ के तरक्याती मंसूबे तब्दीली सरकार में भी नामुकम्मल। ऐलानात के बावजूद एक मोड़िया पुल तोसी मंसूबा पूरा ना हो सका। 5 वर्ष में एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह ना किया जा सका। अरीना वॉक एंड शॉप सेंटर ताहाल तकमील और इफ्तिताह का मंतजर। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात नजरअंदाज। पटवार खानों में मुंशियों का राज बरकरार। मुंशियों के सामने एंटी करप्शन भी बेबस। किसी भी पटवार खाने में मुंशियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। रमजानुल मुबारक में जायद खपत या किल्लत। ओपन मार्केट में आटे की कमी हो गई। दुकानों पर 10 और 20 किलो आटे के थैले की जुज भी किल्लत। सस्ता आटा स्कीम का 11 रुपए वाला थैला दस्तयाब ही नहीं। आम ब्रांड का आटा इंतहाई कम तादाद में 1200 रुपए तक मिलने लगा। मार्केट में आटा फरोख्त करने वाली दुकानें खाली। दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिल्स की जानिब से सप्लाई इंतहाई कम कर दी गई है। राशन पैक तैयार करने वालों ने बड़ी तादाद में आटा मार्केट से उठा लिया है। महंगाई से सताए अवाम रमजान बाजारों में भी मुश्किलात का शिकार। बरकत मार्केट में अशिया की जुजवी दस्तयाबी। खरीदारों का टमाटर ना मिलने का शिकवा। बहदत कॉलोनी रमजान बाजार में भी महदूद अशिया दस्तयाब। सस्ते बाजार में चीनी का नया स्टॉक ना पहुंच सका। आटे का एक थैला जबकि टमाटर सिर्फ आधा किलो खरीदने की इजाजत। लीमू सिर्फ एक पाव की मकदार में आवाम को फराहम किया जा रहा। चिकन गोश्त का स्टॉल भी ना लग सका। करीम पार्क रमजान बाजार में खरीदारों का रश। शहरियों ने चीनी और सब्जियों की मकदार बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। महकमा एक्साइज के मुलाजिम से डकैती का मामला। महकमा एक्साइज के दफातर में सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर ना किए जा सके। एक्साइज दफातर में सिक्योरिटी एहलकार तैनात ना होने का इंकशाफ। 10 रोज कबल जोहर टाउन में एक्साइज एहलकार से 47 लाख रुपए की डकैती हुई थी। लाहौर में ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आया। कराची और कोयटा से आने वाली 13 ट्रेनें ताखिर का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना।